नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 1 नवंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। आज है छठ महापर्व का खरना। आज सभी छठ व्रतिया शाम के समय में छठी मैया के लिए माटी के चूल्हे पर नए बर्तन में खीर बनाती है। इसके अलावा गुड़ की पूरियां और सादी पूरियां भी बनाई जाती है। शाम होते होते बनाई गई इन पूरियों को केले के पत्ते पर रखकर छठ मैया के लिए प्रसाद निकाला जाता है, जहां बैठकर छठ व्रतिया प्रसाद ग्रहण करती है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद अगले 36 से 40 घंटे तक छठ व्रतिया कुछ भी न खाएंगी न पिएंगी। छठ के अवसर पर पटना एयरपोर्ट से सीधी बस सेवा। छठ पर्व के अवसर पर बाहर से बिहार आने वाले लोगों के लिए बिहार सरकार की ओर से नई सुविधा की शुरुआत की गई है, जिसके पश्चात पटना एयरपोर्ट से वैशाली, छपरा और मुजफ्फरपुर के लिए सीधी बसों का परिचालन शुरू किया गया है। आपको बता दें, छठ के अवसर पर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इस सेवा की शुरुआत की है। छठ पूजा के मद्देनजर घाटों पर एनडीआरएफ की टीम को किया गया तैनात। कार्तिक महीने में महापर्व छठ पूजा के अवसर पर 9वीं बटालियन पटना एनडीआरएफ की 10 टीमों को पटना, बक्सर, भोजपुर तथा सारण जिले में देखरेख के लिए तैनात किया गया है। ज्ञात हो, इससे पहले पटना में गंगा नदी घाटों पर एनडीआरएफ की 7 टीमों को मोटर बोट के साथ तैनात कर दिया गया है। बाकी टीमों की तैनाती भी जल्द ही कर दी जाएगी। आपको बता दें, एनडीआरएफ की टीम 3 नवंबर तक यूं ही घाटों की निगरानी करेगी, ताकि पूजा के दौरान कोई अप्रिय वाकया न हो जाए। नियोजित शिक्षकों के अक्टूबर महीने तक का वेतन हुआ जारी। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों के अक्टूबर महीने के वेतन के लिए 7,89,63,91,000 रुपए की राशि जारी कर दी है। अब यह जिम्मेदारी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को दी गई है कि वेतन मद की राशि शिक्षकों के खाते में ट्रांसफर करें, जिसके पश्चात नवम्बर तक यह राशि सभी शिक्षकों के खाते में पहुँच जाने की उम्मीद जताई जा रही है। 61 क्रय केंद्रों में लगाया जाएगा धान को सुखाने के लिए ड्रायर। नमी वाले धानों को सुखाकर खरीद की जाएगी, इसके लिए बिहार के 61 धान क्रय केंद्रों पर ड्रायर लगा दी गई है। 15 नवंबर से प्रारंभ होने वाली धान अधिप्राप्ति की सहकारिता व खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया, 18-18 रुपए की लागत से राज्य के 61 क्रय केंद्रों पर ड्रायर मशीन लगाई गई है, जिसके पश्चात धान को सुखाकर किसानों से खरीदी जाएगी। एसएससी सीजीएल परीक्षा की आंसर की हुई जारी। एसएससी ने 2018 टीयर 2 की आंसर की अपने आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी, वो ssc.nic.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। ज्ञात हो, यह आंसर की सिर्फ 29 नवंबर तक ही वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। आंसर की देखने के लिए अभ्यर्थियों को यूजर आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल करना होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने NIUS से DLED को मान्य करने की कही बात। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पूर्व अधिकारी ने NIUS की ओर से कराए गए DLED कार्यक्रम को शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य करार देने के NCTE के फैसले को गलत करार दिया है। आपको बता दें, इन पूर्व अधिकारियों का कहना है कि यह शिक्षक प्रशिक्षण का कोर्स मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश पर ही कराया गया था, जिसके पश्चात यह शिक्षक भर्ती के लिए पर्याप्त अर्हता है। STET की परीक्षा हुई स्थगित। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक प्रेस विज्ञापन जारी कर यह जानकारी दी है कि 7 नवंबर को होने वाली STET की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह लिखा है कि STET के लिए अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाने के पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह निर्णय लिया गया है। वहीं शिक्षा विभाग ने इस संबंध में विधि विभाग से सलाह मशवरा की भी मांग की है। राष्ट्रीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन होगा भागलपुर में। 33वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन भागलपुर के इंडोर स्टेडियम में 6 से 10 नवंबर से होने जा रहा है। होने वाली इस प्रतियोगिता के लिए बिहार बैडमिंटन संघ ने राज्य स्तरीय टीम की घोषणा कर दी है। ज्ञात हो, बालिका वर्ग में भागलपुर से सिर्फ जेनिफर प्रिया बिहार टीम में जगह बना सकी, वहीं पटना की श्रीजा और रोशनी कुमारी, पूर्णिया की सृष्टि श्रेष्ठ को टीम में जगह दी गई है। दिसंबर से पहले सप्ताह में होगा पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव दिसंबर के पहले सप्ताह में करवाया जाएगा, जिसकी तैयारियों में विश्वविद्यालय प्रशासन जुट गई है। ज्ञात हो, इस चुनाव के मद्देनजर ही प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा को पहले सप्ताह के बजाय 10 दिसंबर से करवाने का निर्देश दिया गया है। पिछले साल भी चुनाव के कारण परीक्षा की तारीख में बदलाव करना पड़ा था, वहीं इस बार भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। ITI छात्रों को अब सरकार देगी बैग, ड्रेस और किताब। श्रम संसाधन विभाग ने बिहार के सभी सरकारी ITI के छात्र छात्राओं को सरकार अब पोशाक, किताब और बैग देने का फैसला किया है। सरकार साल में 2 जोड़ा ड्रेस और 1 जोड़ी जूते के साथ साथ बैग और किताब भी मुफ्त में मुहैया करवाएगी। इस योजना को आधिकारिक तौर पर इसी साल से लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें, श्रम संसाधन विभाग के इस फैसले से राज्य के 149 ITI के लगभग 30,000 छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। ज्ञात हो, योजना पर कुल मिलाकर लगभग 10 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा।
केसी त्यागी के बयान को नीतीश कुमार ने सिरे से नकारा। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी द्वारा दिए गए बयान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिरे से नकार दिया है। दरअसल केसी त्यागी ने कहा था कि जदयू जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। अगर उनकी पार्टी की संख्या बल के आधार पर जगह मिलती है तो वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए तैयार है, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये सब फालतू बात है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी को एक सूत्र में बांधता है छठ पर्व। छठ महापर्व देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ने का काम करता है। छठ पूजा के दौरान न सिर्फ भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की जाती है, बल्कि इससे अनेकता में एकता का भी संदेश दिया जाता है। आपको बता दें, छठ महापर्व पहले सिर्फ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही मनाया जाता था, लेकिन अब यह पर्व देश के विभिन्न कोनों में मनाया जाता है। पूजा के दौरान इस्तेमाल होने वाले सामान बिहार या झारखंड के अलावा देश के विभिन्न कोनों से भी मंगाए जाते हैं। कश्मीर के सेब से लेकर तमिलनाडु के नारियल का आयात करवाया जाता है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गिरिराज सिंह को दिया करारा जवाब। भाजपा के फायर ब्रांड कहे जाने वाले नेता गिरिराज सिंह द्वारा नीतीश कुमार पर कही बात पर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी नीतीश कुमार के समर्थन में उतर आए हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में गिरिराज का नाम लिए बिना कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जुगलबंदी 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर विकास राग को मुखरित करेगी। भागलपुर जाने वाले लोग इन पर्यटन स्थलों पर जरूर घूमने जाएं। भागलपुर जाने वाले लोग इन स्थलों पर भ्रमण करना ना भूलें। विक्रमशिला, बटेश्वरनाथ का टीला, बाबा अजगबीनाथ, खनकाह ए साहिबजिया जरूर घूमने जाएं। इसके अलावा इन धार्मिक स्थलों का भ्रमण भी जरूर करें। चंपानगर जैन मंदिर, कोलगंज रॉक मंदिर। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 6 घंटे का सफर करना होगा, वहीं खुद की गाड़ी से जाने वाले लोगों को भी 6 से 6.5 घंटे का सफर करना पड़ेगा। आपको बता दें, पटना से भागलपुर की दूरी 240.1 किलोमीटर है। रेलवे में खेल कोटे पर 21 पदों पर निकाली गई रिक्तियां। उत्तरी रेलवे नई दिल्ली ने खेल कोटे पर 21 पदों पर रिक्तियां निकाली है। ये नियुक्तियां अलग अलग खेल श्रेणियों के लिए होगी। अगर इन पदों पर आवेदन भरने की शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं या स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इन पदों के लिए आवेदन भरने के लिए 250 से 500 रुपए होंगे। इच्छुक उम्मीदवार www.rrcnr.org पर जाकर 27 नवंबर तक आवेदन भर सकते हैं। भाजपा के जिला प्रभारी सह प्रदेश मंत्री राजेश वर्मा ने वृंदावन हॉल में आयोजित भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा है कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ है। आज इन्हीं के बदौलत पार्टी बुलंदी पर है। इसके आगे उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जेपी नड्डा पटना दौरे पर आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि कार्यकर्ता पटना पहुंचे। टिकट कैंसिलेशन के नियमों में किए गए बदलाव। IRCTC ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए अब OTP प्रणाली को अनिवार्य करने का फैसला किया है, जिसके पश्चात यात्रियों के टिकट कैंसिल करने और IRCTC द्वारा दिए गए पासवर्ड का इस्तेमाल कर रिफंड पाना और आसान हो जाएगा। आपको बता दें, IRCTC द्वारा निकाली गई यह प्रणाली केवल उसके अधिकृत एजेंटों के माध्यम से बुक कराई गई ई टिकटों पर ही लागू की जाएगी। छठ को लेकर पंकज त्रिपाठी ने कही ये बात। बिहार के जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने बिहार में मनाए जाने वाले छठ को लेकर कहा कि कुछ नहीं भूले हैं, सब याद है। दशहरा खत्म होते ही मन मिजाज छठ जैसा होने लगता था। हवाओं में उत्सव की खुशी, गांव घर में सफाई अभियान, कुम्हार के घर दौड़ दौड़ के दिया और कोसी लाना, छठ की तैयारी करना, नया कपड़ा सिलवाने के लिए टेलर के पास बाबूजी या भैया के साथ जाना और यह सोचना कि जिलेबी कब खिलाएंगे। सच कह रहा हूँ, मुझे एक एक चीज याद है। छठ के दिन नयका कुर्ता पहनकर घाट पर पूरे ठाट से जाते थे और घाट की बात तो पूछिए मत, गजबे माहौल रहता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को दिया जिम्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर के रिश्ते को लेकर चल रही अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। जदयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर की अहमियत को स्पष्ट करते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने का जिम्मा प्रशांत किशोर के जिम्मे सौंप दिया है। घाटों की सुरक्षा संबंधी सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया नीतीश कुमार ने। 4 दिवसीय छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टीमर से दानापुर के नास्टीगंज घाट से सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया। ज्ञात हो, निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अप्रोच रोड, बिजली, सफाई, सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर लगातार आदेश भी दिए। अब घर बैठे कीजिए अपना प्रीपेड मीटर चार्ज। बिजली उपभोक्ताओं को अब मीटर रिचार्ज कराने के लिए उन्हें बिजली ऑफिस पहुंच लंबी लाइनों में नहीं लगने की जरूरत पड़ेगी। अब घर बैठे बैठे मोबाइल ऐप के जरिए अपने मीटर को रिचार्ज कर सकेंगे। कंपनी ने इसे लेकर बिहार बिजली स्मार्ट मीटर नामक एक ऐप लॉन्च किया है, जिससे रिचार्ज करने पर तत्काल पैसा खत्म होने पर बिजली कनेक्शन नहीं कटेगा। कंपनी बिजली उपभोक्ताओं को एक दिन का मौका देगी ताकि लोग अपने मीटर को रिचार्ज कर सकें। मुंगेर रेल पुल पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जल्द शुरू होगा। IIT खड़गपुर के विशेषज्ञ स्ट्रक्चरल इंजीनियरों से स्वीकृति मिलते ही मुंगेर गंगा रेल पुल पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस बाबत रेलवे ने CPD दानापुर द्वारा तैयार की गई नई डिजाइन को IIT खड़गपुर के विशेषज्ञ स्ट्रक्चरल इंजीनियर को भेजा है। रेलवे के डिजाइन को स्वीकृति मिलने के पश्चात ही इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा।
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए 16 टीमों का किया गया ऐलान। अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में शामिल होने वाले 16 टीमों का ऐलान कर दिया गया है। करीब एक महीने तक चलने वाली आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2020 में जो 16 टीमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होने वाली है, उन टीमों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको बता दें, इन टीमों का ऐलान आईसीसी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट से किया है। अब आइए जानते हैं आज के मौसम का हाल। मुंगेर, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल में धूप के साथ साथ मौसम सामान्य रहेगा। वहीं मुजफ्फरपुर, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद में भी हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।